इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों थ्योरीज को हम सिंपल वर्ड्स में कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको इन दोनों थ्योरीज को क्लियर करना है और बहुत अच्छे से समझना है तब आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम उन सबको इजी लैंग्वेज में विद कैलकुलेशन कवर करेंगे विद प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आइए समझते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब पब्लिश कराई गई थी और इसका क्या एम था। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 26 सितंबर 1905 को अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराया जिसे हम कहते हैं स्पेशल रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यहाँ पर जैसा कि आप जान रहे हैं रिलेटिविटी दैट मींस यहाँ पर रिलेशन की बात की गई थी या रिलेटिव की बात की गई थी और वो रिलेटिव क्या था तो वो रिलेटिव था स्पेस एंड टाइम। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ पर ये प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली कि स्पेस एंड टाइम दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं और इसी के लिए इस पर बेस्ड पब्लिश कराई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड होती है ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं हम इन सभी टॉपिक्स को लेक्चर सीरीज में सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जबकि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब ये पता लगा कि इस यूनिवर्स में कोई भी इनर्शियल फ्रेम नहीं है सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तब दैट मींस ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड नहीं होती। इसलिए उसके कुछ टाइम बाद उनका नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसे हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसी के बेस पर उन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया एंड स्पेस एंड टाइम में रिलेशन बताया कि स्पेस टाइम दोनों एक दूसरे को कैसे कोरिलेट करते हैं और कैसे चेंज होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से ये थ्योरी आई है हमारा यूनिवर्स में बहुत सारा कुछ पता लगा है और हमें बहुत बड़े इन्वेंशंस मिले हैं। तो इस थ्योरी को अगर आपको आसानी से समझना है तब आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन कीजिए और इस लेक्चर सीरीज में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन टाइम डायलेशन मास एनर्जी रिलेशन मास वेरिएशन लोरेंस ट्रांसफॉर्म एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सभी टॉपिक जिसके बेस पर हमने स्पेस टाइम को डिफाइन किया स्पेस टाइम क्या होता है और ये कैसे कर्व बनता है और इन्होंने न्यूटन को कैसे गलत साबित किया। तो हम इस चैप्टर में या इस लेक्चर सीरीज में इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए और इसमें डिफाइन किया जाता है स्पेस एंड टाइम में रिलेशन। वैसे ही अगर बात करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तब यहाँ पर इसी के बेस पर हमने ग्रेविटी को डिफाइन किया सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और यहाँ पर स्पेस एंड टाइम में रिलेशन बताया और बताया कि टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। थ्री डायमेंशन तो होती है स्पेस की और फोर्थ डायमेंशन होती है टाइम की। इसी में डिस्कस किया गया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसी के बेस पर ग्रेविटी को डिफाइन किया गया। तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर सीरीज को ज्वाइन करेंगे और दोनों थ्योरीज को सिंपल वर्ड्स में आसानी से समझ